नमस्कार। आज मैं आलू ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ। मैंने चार आलू लिए हैं, इन्हें उबाल लेना है। उबाल के इसका छिलका उतार लेना है। आलू मैंने उबाल लिए हैं, इसका छिलका उतार लिया है। आलू को मैंने मैश कर लिया है। एक प्याज लेंगे मीडियम साइज का, तीन मिर्चे लेंगे। प्याज को हमने काट लिया है, मिर्च को भी काट लिया है। एक चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया, एक छोटा चम्मच नमक है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर है, यही वाला छोटा एक चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच चाट मसाला है, एक चम्मच जीरा है, थोड़ी सी हींग है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। गैस को ऑन करेंगे, तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें भूनते हुए प्याज को सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्दी डालेंगे, धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक मिलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने एक मिनट लगातार चलाते हुए भूनना है। एक मिनट हो चुका है, आलू डालेंगे, आलू को मिलाएंगे। आलू का मिक्सर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसमें एक चम्मच पानी का डालेंगे, मिलाएंगे। एक चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह हमने मिला लिया है। गैस को बंद कर देंगे, मिक्सर को हम ठंडा होने देंगे। आलू का मिक्सर इतना ठंडा हो रहा है, बेसन को घोलेंगे। 230 ग्राम मैंने बेसन लिया है, बेसन को डालेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक है, थोड़ी सी अजवाइन है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, मिलाएंगे। मिलाकर आपको दिखाते हैं। बेसन को हमने घोल लिया है, इसे इतना ही पतला रखना है। बेसन को घोलने के लिए दोस्तों मुझे 1.5 कप पानी लगा है। तेल मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया, तेल गर्म हो रहा है। धनिया डालेंगे, मिलाएंगे। आलू को ठंडा होने देंगे। आलू का मिक्सर ठंडा हो चुका है दोस्तों, इसे ऐसे ही रखना है सॉफ्ट। आइए भरना शुरू करते हैं। आलू सख्त नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा जैसे मैंने पानी डाला था एक चम्मच, आप वैसे डाल सकते हैं। ब्रेड के चार हिस्से करेंगे। ब्रेड को हमने ऐसे चार हिस्सों में काट लिया है, ऐसी सब ब्रेडें भरकर ऐसे ही काट लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं।
इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। दोस्तों हम एक बार इन्हें कच्चे निकालेंगे, जो आपने खाने हो फिर से एक बार तल लेने हैं आपने मीडियम फ्लेम पर। ब्रेड पकौड़ों को हम निकाल लेंगे, ऐसे हमने दूसरे तलने हैं। पकौड़ों को हमने कच्चा निकाल लिया है और मीडियम फ्लेम पर एक बार फिर से हम तलेंगे। तेल गर्म होने देंगे, गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ब्रेड पकौड़े को निकालेंगे। ऐसे हमने दूसरे भी तल लेने हैं। आलू ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरे बनाए आलू ब्रेड पकौड़ा अच्छे लगे हो तो घर पे बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।